नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोम और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गेट सेट फॉर टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लेनोवो के 8 प्लस की, जो है एक 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्पेस वाला मॉडल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बॉक्स है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और हम देखेंगे फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में और लेंगे जानकारी इस फोन में हमें क्या मिलता है। तो चलिए मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी दिखाई जा रही है इसकी स्पेसिफिकेशंस, जानकारी इस फोन के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको अपडेट करता चलूंगा इस फोन में हमें क्या कुछ दिया जाता है। देखिए, फोन का बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है और मैं फोन को बाहर निकाल रहा हूँ। 165 ग्राम्स का फोन है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है और हाथ में प्रीमियम सा लुक देता है। चलिए फोन को साइड में रखते हैं और इसके अंदर की बॉक्स की एसेसरीज को भी देख लेते हैं हम। बॉक्स में आप देखिए ये सिम ट्रे इजेक्टर टूल दिया हुआ है, अटैच किया हुआ है स्लीपलेट के साथ में। इस स्लीपलेट में आप देखेंगे तो आपको सर्विस सेंटर डॉक्यूमेंट्स और वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड वगैरह मिलता है। ठीक है, इसे भी साइड में रख देते हैं हम। 10 वाट का चार्जर मिलता है। जी हाँ, 10 वाट का फास्ट चार्जर इस फोन के साथ में हमें दिया हुआ है, क्योंकि इस फोन में आपको मिलती है 4000 mAh की भारी भरकम बैटरी। मतलब ये फोन आपको निराश नहीं करेगा, ये फोन बहुत शानदार चलने वाला है, लंबा खींचेगा ये फोन। ये देखिए USB केबल भी दी हुई है साथ में, माइक्रो USB केबल, जिसका यूज आप चार्जिंग के लिए और डेटा कनेक्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये USB केबल है, काफी मजबूत सी है, काफी अच्छी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, एसेसरीज को रखते हैं साइड में और हम देखते हैं कि फोन में हमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो चलिए फोन को हम चेक कर लेते हैं, इस फोन में हमें कैसे कैसे क्या डिटेल्स वगैरह दी हुई है। आप देखेंगे तो फोन में आपके बैक साइड में आपको काफी अच्छी फिनिश मिलती है, कैम्फर्ट एजेस दी हुई है, एल्युमिनियम बॉडी है और काफी अच्छा लगता है हाथ में पकड़ने पे फोन। चलिए इस स्ट्रिप को निकाल देता हूं मैं। फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको 5.2 इंच का फुल HD स्क्रीन मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ में। अपर साइड में आप देखेंगे तो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 8 MP का और साथ ही साथ आपको मिलता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी ऊपर ही दिया हुआ है। जी हाँ, फ्रंट कैमरा 8MP का और प्रॉक्सिमिटी सेंसर। साथ में आप देखेंगे तो बैक में आपको रियर कैमरा मिलता है 13 MP और 5 MP का डुअल रियर कैमरा विद डुअल टोन LED फ्लैश, विद डुअल LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ में नॉइस कैंसलेशन माइक भी मिलता है। नीचे लेनोवो की ब्रांडिंग दी हुई है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम रॉकर बटन्स दिए हुए हैं, अप डाउन एंड साथ में पावर बटन भी दी हुई है। अपर साइड में आप देखते हैं तो 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया हुआ है आपके गाने सुनने के लिए। जी हाँ, सॉन्ग सुन सकते हैं आप इसमें। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है म्यूजिक को प्ले पॉज करने के लिए, लेकिन आप चाहें तो अंदर एंड्रॉइड में सेटिंग्स दी हुई है जिसके थ्रू आप इससे कोई ऐप वगैरह ओपन करने की सेटिंग भी कर सकते हैं। साथ में भी आप देखेंगे तो आपको आपका सिम ट्रे मिलता है, सिम ट्रे माइक्रो SD कार्ड ट्रे, सिम ट्रे में डुअल नैनो सिम आप लगा सकते हैं और एक SD कार्ड भी उसमें, माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं मैक्सिमम 128 GB तक का। ये देखिए, हमने सिम ट्रे निकाल ली है, इसमें आप दो नैनो सिम्स वहां फिक्स कर सकते हैं, दो, जी हाँ, और एक माइक्रो SD कार्ड 128 GB मैक्सिमम कैपेसिटी वाला आप लगा सकते हैं। नीचे साइड में आप देखेंगे तो आपको स्पीकर के ऑप्शंस दिए हुए हैं और साथ में माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है 2.0, जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं और चार्जिंग के लिए इस फोन को यूज कर सकते हैं। चलिए फोन को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फोन को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि फोन के अंदर हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। दोस्तों, जब तक फोन स्टार्ट होता है तो मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ इस फोन के बारे में। इस फोन में आपको मिलता है एंड्रॉयड 7.1.1 नोगट, वो भी स्टॉक वर्जन में। जी हाँ, इसमें किसी भी तरह का
चेंज नहीं किया गया है जीयूआई में लेनोवो के द्वारा, यानी कि इसमें आपको वाइब यूआई नहीं मिलेगा। ये नीचे जो मैं इशारा कर रहा हूँ ये हमारे कैपेसिटिव टच बटन्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं नेविगेशन के लिए, लेकिन वो बैकलिट नहीं है, यानी कि आपको अंधेरे में इन बटन्स को ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी। चलिए फटाफट मैं कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद में हम देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अंदर से कि फ़ोन में हमें क्या मिलता है। फिंगरप्रिंट मैंने लगा दिया है, ये फ़ोन चालू हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ये हो गया चालू, फ़ोन चालू हो गया है। देखिए फ्लूइड जीयूआई है, जी हाँ, स्टॉक एंड्रॉइड होने की वजह से 3 GB रैम आपको मिलता है, तो एकदम बेहतरीन चलता है ये फ़ोन गोली के जैसे। ये देखिए नोटिफिकेशन बार आ गया है, लगभग वही मार्शमेलो का जैसा ही लगता है। चलिए फ़ोन के स्टेटस में जाके हम देख लेते हैं। अबाउट फ़ोन सेक्शन में आप देख सकते हैं लेनोवो K8 Plus मॉडल का नाम है और बाकी की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। एंड्रॉयड नोगट 7.1.1 इसके साथ में आपको मिलता है। स्टोरेज में अगर आप देखेंगे 32 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसमें से लगभग 8.85 GB यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हमें लगभग 24 GB के करीब स्पेस यूज़ करने के लिए मिलती है। बाकी के सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी समझता हूँ बताना कि इसमें ब्लोटवेयर, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ऑफिस का पैकेज डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर तो नहीं है इसमें, लेकिन हाँ माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ऑफिस का पैकेज भर दिया है इस फ़ोन में, ऑफिस, एक्सेल, वर्ड और ये सब कुछ। एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये है कि इस फ़ोन में आपको डुअल ऐप्स और वाइब यूआई के जो एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि स्टॉक एंड्रॉयड में नहीं होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो थोड़े से फीचर्स के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा, मगर ये जो फ़ोन है बहुत मस्त चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड है और अपडेट भी इस फ़ोन के साथ में कमिट किया गया है लेनोवो के द्वारा, यानी कि नोगट के बाद में जो वर्ज़न हमारे सामने आ चुका है ओरियो, एंड्रॉयड 8.0 ओरियो, वो भी आपको इसमें मिलेगा। चलिए थोड़ा सा फोटोग्राफी करके देख लेते हैं। डुअल बैक कैमरा दिया हुआ है तो टेस्ट करके भी देख लेते हैं। 13 MP और 5 MP का डुअल टोन डुअल LED फ्लैश के साथ में बैक कैमरा दिया हुआ है, तो उसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जी हमारा विदाउट LED फ्लैश मैंने एक पिक लिया, और चलिए LED फ्लैश के साथ में भी एक पिक लेके देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कैमरे से, क्योंकि लो लाइट कंडीशंस में ये जो कैमरा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है, लेकिन हाँ डे लाइट कंडीशंस में ये कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चलिए पिक्स को ओपन करके भी देख लेते हैं जो हमने अभी ली थी इससे फोन से। ये देखिए फ्लैश के साथ में जो मैंने पिक ली है फिर भी ठीक आई हुई है, कलर्स ठीक आए हुए हैं, कलर्स डार्क हैं, लेकिन हाँ जो विदाउट फ्लैश ली हुई पिक है इसमें आप देख सकते हैं इसमें नॉइस आ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ नॉइस देखने को मिलता है। तो कैमरा हो सकता है डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करे, मैंने टेस्ट तो नहीं किया है, मैं टेस्ट करके उसकी भी अपडेट डाल दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और नए यूज़र्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।